हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब टाइमलाइन पे। दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए अप्लाई किए और एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट में आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट रिगार्डिंग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। जैसे ही आप आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपके यहाँ पे दिखाई देगा डेट, आप देख सकते हैं 17/9/2019 मीटिंग विद द एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज फॉर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि दोस्तों, अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है एग्जैक्टली आपका आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी 2019 का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, उसके लिए यहाँ पे बीडर्स को बुलाया गया है और उसके लिए यहाँ पे डेट और टाइम भी दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस भी दिया गया है। चलिए मैं इस नोटिस को डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करके आपको पूरा बताता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बताया गया है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मीटिंग विद द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि देयर आर 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैविंग पैन इंडिया प्रेजेंस अंडरटेक रिक्रूटमेंट ओवर वेरियस कैटेगरी इन ग्रुप सी ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ इन ग्रुप सी पोस्ट इन इंडियन रेलवे। दे आर अंडर कंट्रोल इन द रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड व्हिच वाज सेट अप इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रीमलाइन द वर्किंग ऑफ आरआरबी। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी और आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा वो भी बताया गया है। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ है, पिछले साल भी 2018 में 3 एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, आरआरबी CEN01/2018, CEN02/2018 और CEN03/2018। इनमें कितना सारा वैकेंसी था, कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं, उसके बाद कितना शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और कितना आपका एग्ज़ाम सेंटर था, सब कुछ यहाँ पे दी गई है। उसी हिसाब से दोस्तों, इस बार भी आपका 19 में जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है आपका आरआरबी CEN01/2019 जहाँ पे एनटीपीसी का 35,000 प्लस वैकेंसी है। उसके बाद आपका यहाँ पे है जो आरआरबी CEN02/2019 जो कंडक्ट हो गया है, उसके बाद यहाँ पे आरआरबी CEN03/2019 जो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है और RRC01/2019 ये आपका ग्रुप डी का है। तो दोस्तों, यहाँ पे RRB01/2019 और RRC01/2019 इन दो एग्ज़ाम के लिए और RRC03/2019 इन तीन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे दोस्तों बीडर्स को बुलाया गया है। यहाँ पे दोस्तों सब कुछ, यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, एग्ज़ाम से पहले क्या क्या यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए, ये सब आप लोगों के लिए नहीं है, ये जो बीडर्स है उन लोगों के लिए है। क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए जो बीडर्स आएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाया। तो यहाँ पे ड्यूरिंग एग्ज़ाम में क्या क्या फॉर्मेलिटी मांगा गया है, उसके बाद पोस्ट एग्ज़ाम में भी क्या क्या फॉर्मेलिटी मांगा गया है, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मीटिंग एजेंडा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिफोर इन्वाइटिंग ओपन टेंडर फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ ECA, यानी कि दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, अभी तक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो फिक्स नहीं हुआ है, यहाँ पे बीडर्स को बुलाया गया। आप देख सकते हैं इट इज़ प्रपोज टू हैव एन इंटरेक्शन विद द प्रोस्पेक्टिव बीडर्स टू नो अबाउट देयर क्रेडेंशियल एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंडक्टिंग CBT ऑन 25 सितंबर 2019 एट 10:30 आवर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कॉन्फ्रेंस हॉल सेकेंड फ्लोर रेलवे बोर्ड रेल भवन न्यू दिल्ली। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बीडर्स को बुलाया गया है कि आपका 25 सितंबर को 10:30 बजे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो ऑफिशियल हेडक्वार्टर है सेकेंड फ्लोर में यहाँ पे बुलाया गया है, उन लोगों को से उन लोगों के साथ मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट होगा। उसके बाद ही आपका यहाँ पे जो बीडर्स को मिलेगा यहाँ पे CBT 1 और CBT 2 या तो फिर RRB CEN 01 और RRC CEN 01 कंडक्ट करने के लिए, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक एग्ज़ाम डेट फिक्स होने में मिनिमम 1 से लेकर 2 महीना टाइम लग जाएगा,